स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन चैप्टर देख रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है आरएस नोटेशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट द ई एंड झड नोटेशन, हमने देखा, और ई और झड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें हमें देखा कि ई एंड झड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज फॉर गिविंग द नेम ऑफ हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। जब हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम डिसाइड करते हैं, तो इसीलिए हम इसे ई एंड झेड सिस्टम यूज करते हैं। तो ई एंड झेड सिस्टम में हमने जो भी रूल देखे, बाय गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ एटम, कौन से एटम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन से एटम को कम प्रायोरिटी देना है, ये हम उसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते थे। सिमिलरली इन आरएस कॉन्फिगरेशन वी आर गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ दैट ग्रुप और एटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एंड आर एंड एस नोटेशन इज यूज फॉर कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम के लिए हम आर एस नोटेशन यूज करते हैं। वी आर सीन द ऑप्टिकल आइसोमर देखा हमने। तो ऑप्टिकल आइसोमर कहाँ पे यूज करते थे हम? ऑप्टिकल आइसोमर फॉर कायरल कार्बन के लिए। कायरल कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है, बिकॉज व्हेन द that chiral carbon the plane polarized light pass, then it shows the rotation either left side or right side। ये rotation decide करने के लिए RS notation हम use करते हैं। अगर उसकी plane polarized light की जो direction है, ये जो अगर clockwise हो गई, तो इसे हम R configuration कहेंगे, और ये anti-clockwise हो जाती है, तो हम इसे S configuration कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं आर एंड एस नोटेशन। इसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम वन बाय वन आर एस नोटेशन के रूल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, द प्रायोरिटी ऑफ दैट ग्रुप इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये रूल हमने ई एंड झेड कॉन्फिग्रेशन में भी देखा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसकी हम प्रायोरिटी फर्स्ट करते थे। अगर उससे कम आता है, तो सेकंड, और उससे भी कम एटॉमिक नंबर है, तो हम इसे थर्ड, और जब लास्ट आता है, तो इसे फोर्थ। ऐसे हम इसे असाइन करने वाले हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है, हम इसे कम प्रायोरिटी देंगे। दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके एटॉमिक नंबर से हम उसको प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड रूल है, एज पर प्रायोरिटी रूल द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है? लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, इसलिए हाइड्रोजन एटम क्या है? लोवेस्ट प्रायोरिटी है। एज पर प्रायोरिटी रूल द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ब्राउट इन वर्टिकल लाइन। मतलब जनरल ये है कि हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है? आइदर अपवर्ड डायरेक्शन और आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एग्जांपल लेते हैं हम, अगर ये कार्बन है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CHO। अगर हमने ये ग्रुप लिया, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे ये प्रायोरिटी ग्रुप है। फर्स्ट रूल से हम इसे प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसके यहाँ पे किसका है? हाइड्रोजन का। तो हम इसे ऑक्सीजन का है, तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड कौन सा? यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ कार्बन डायरेक्टली ओ को, ऑक्सीजन को अटैच है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन को अटैच है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए हम इसे सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। इसे हम देंगे थर्ड प्रायोरिटी। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, पर इसे देंगे फोर्थ प्रायोरिटी। तो एज पर प्रायोरिटी रूल द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट जनरली इन वर्टिकल लाइन। जो हमारे वर्टिकल लाइन है, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है।
जनरली लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए. ये है हमारा सेकेंड रूल. आइदर द अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड भी रहना चाहिए और रह सकता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में रहना चाहिए, बट इट इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन. ये हमारा सेकेंड रूल है. और जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन और जो कायरल कार्बन है उसकी जो वर्टिकल लाइन प्रेजेंट रहती है वहां पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए. अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट द बॉटम, अगर ये इसके बॉटम में प्रेजेंट रहता है तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या आता है, अगर ये इसके टॉप पे प्रेजेंट रहता है तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या आता है, अगर ये आइदर द लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड को प्रेजेंट रहता है तो इसका कॉन्फिगरेशन आर ए आई एस कौन सा आता है, अगर ये आइदर द राइट साइड पे प्रेजेंट रहता है तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा. ये हम वन बाय वन रूल देखेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट रूल है प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. हम जिसके हिसाब से इसे प्रायोरिटी देने वाले हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड है. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और जिसका कम है उसे हम लेस प्रायोरिटी देंगे. सेकेंड रूल है जो एज पर प्रायोरिटी रूल के हिसाब से जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी रहती है यानी कि हाइड्रोजन की, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का 1 है, इसलिए जिसकी भी लोवेस्ट प्रायोरिटी रहती है वो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, आइदर द अपवर्ड और आइदर द डाउनवर्ड. वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेजेंट रह सकता है, बट इट इज प्रेजेंट जनरली इन वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट रहना चाहिए. अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट आता है तो उसके कैसे टाइप का रोटेशन होता है, अगर वो वर्टिकल लाइन में भी ऊपर प्रेजेंट रहता है और बॉटम में प्रेजेंट रहेगा और टॉप में प्रेजेंट रहेगा तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या आता है, ये हमारा वन बाय वन देखेंगे. तो व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बॉटम, यहाँ पे क्या है बॉटम, व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन के बॉटम में अगर प्रेजेंट रहता है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे OH को फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इसके हिसाब से सबसे ज्यादा है. बाद में कार्बन दोनों साइड के कार्बन है, बट हियर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन, हेंस वी आर गिविंग हियर सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज द कार्बन गिविंग द थर्ड प्रायोरिटी एंड हाइड्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 1, दैट इज इट गिव्स द लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड हेंस वी आर गिविंग द प्रायोरिटी हियर 4th. अगर ऐसे डायरेक्शन में होगा तो इसका रोटेशन होगा ऐसा. ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो हम इसे कहेंगे यस कॉन्फिगरेशन कहेंगे. अगर इसका रोटेशन ऐसे आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो हम इसे कहेंगे आर कॉन्फिगरेशन. इट इज वेरी नेसेसरी व्हेन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो इसे हम कहेंगे आर कॉन्फिगरेशन. और जब ये आता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आती है हमारी रोटेशन की तो हम इसे कहेंगे यस कॉन्फिगरेशन. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हमने जो प्रायोरिटी डिसाइड किया और उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो हम इसे यस कॉन्फिगरेशन कहेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो हम इसे आर कॉन्फिगरेशन कहेंगे. तो यहाँ पे जब हमने प्रायोरिटी डिसाइड की और उसके रोटेशन देखा तो ये आते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हियर वी आर टेकन इज एज यस कॉन्फिगरेशन. इसका आता है यस कॉन्फिगरेशन. ये हुआ हमारा सेकेंड. थर्ड, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन में अगर टॉप में प्रेजेंट रहता है, व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन. ये एग्जाम्पल देखेंगे हम. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है बिकॉज द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन एच. यहाँ पे लेंगे CHO, यहाँ पे लेंगे CH2OH और यहाँ पे लेंगे OH. तो यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हेंस हियर द प्रायोरिटी इज वेरी लेस, लोवेस्ट प्रायोरिटी है इसकी. व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन देन, इसका रूल क्या है, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल थ्रू 180 डिग्री. इसका जो पूरा मॉलिक्यूल है इसे हमें 180 डिग्री रोटेट करना है, रोटेट एंटायर मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री.
इस पूरे मॉलिक्यूल को हमें क्या 180 डिग्री रोटेट करना है। अगर हमने इसे 180 रोटेट डिग्री किया तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा CHO, इसे किया तो यहाँ पे आएगा CH2OH और यहाँ पे आएगा OH। पहले हमें फाइंड द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन, देन रोटेट द एंटायर मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हमें रोटेट किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दैट इज द OH यहाँ पे जाएगा, CH2OH यहाँ आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा और एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वी कैन डिसाइड हियर इट्स प्रायोरिटी। बाद में हम इसकी प्रायोरिटी, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, इससे सेकेंड आती है, इसे आती है थर्ड प्रायोरिटी और यह आती है फोर्थ प्रायोरिटी। देन शो इज रोटेशन इज एंटी क्लॉक वाइज, देन वी आर टेकन एज यस कॉन्फिग्रेशन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होने की वजह से हम इसे क्या यस कॉन्फिग्रेशन नाम देंगे, यस कॉन्फिग्रेशन डिसाइड करेंगे। पहले जब द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन के एट द टॉप में प्रेजेंट होगा तो एंटायर मॉलिक्यूल हम पहले 180 डिग्री रोटेट करेंगे और बाद में उसके प्रायोरिटी हिसाब से उसे नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद उसका रोटेशन दिखाएंगे, और रोटेशन दिखने के बाद डिसाइड करेंगे उसका कॉन्फिग्रेशन कौन सा आता है। ये हुआ हमारा थर्ड रूल। बाद में नेक्स्ट फोर्थ रूल देखेंगे हम, ये आप नोट कीजिए वन बाय वन ताकि आप कंफ्यूज होना जाए। आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो उसका आर कॉन्फिगरेशन आता है, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका एस कॉन्फिगरेशन आता है। बाद में थर्ड प्रेजेंट हो गए। फिर द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड, एट द लेफ्ट साइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है इसकी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे है CHO। आपके ध्यान में आने के लिए एक ही एग्जांपल हम लेंगे ये रूल समझने के लिए, और बाद में हम दूसरे एग्जांपल लेंगे इन एग्जांपल में। तो अगर फाइंड द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट आता है तो क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द एट द टॉप ऑफ द ग्रुप और एटम, जो टॉप और ग्रुप में जो प्रेजेंट जो एटम और ग्रुप है उसे हमें रोटेट नहीं करना, वो रिमेन ही रहने देना चाहिए वैसे के वैसा। तो विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ CHO, विदाउट चेंज द पोजिशन ऑफ CHO, यहाँ पे जो टॉप का जो आइटम है वो है CHO और ग्रुप जो है वो है CHO, आपको जो टॉप में जो भी आइटम और ग्रुप प्रेजेंट है उसकी पोजिशन वैसे की वैसे रखनी चाहिए, दैट इज द विदाउट चेंज द पोजिशन ऑफ CHO। रोटेट एंटी क्लॉक वाइज, जो बाकी के जो रिमेनिंग जो आइटम और ग्रुप है उसको क्या करना है, रोटेट अदर एटम इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, उसे क्या करना है हमें इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। यहाँ पे विदाउट चेंज द पोजिशन ऑफ CHO रोटेट द अदर एटम्स इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये सब जो बाकी के जो है उसे हमें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है हमसे, टिल द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कम्स एट द वर्टिकल लाइन, जब तक लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन में नहीं प्रेजेंट आता तब तक हमें उसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो हम इसे रोटेट करते हैं CHO की पोजिशन एज इट इज। अब हमने इसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में हम इसे रोटेट करने वाले हैं, तो वो ये यहाँ पे आएगा, इसे हमें रोटेट किया, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और CH2OH यहाँ पे आएगा, और मतलब हमारा जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इज प्रेजेंट एट, अब कहाँ पे प्रेजेंट है, इट बिकम एट वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट आता है, तो हम इसका रोटेशन स्टॉप कर देंगे। अभी हम इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे आती है इसको थर्ड प्रायोरिटी और यहाँ पे आती है फोर्थ प्रायोरिटी। अब इसका
रोटेशन कैसा हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो कौन सा कॉन्फिगरेशन आता है, आर कॉन्फिगरेशन, दे नीड टू बिकम आर कॉन्फिगरेशन। आपके ध्यान में आ गया है, व्हेन द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन देन विदाउट चेंज द पोजिशन ऑफ सी एच ओ, और सी एच ओ आर एट द टॉप में जो भी आइटम और ग्रुप रहे उसकी पोजिशन वैसे की वैसे रखनी है, और रोटेट द अदर आइटम्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी अदर आइटम है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है टिल द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कम्स एट द वर्टिकल लाइन, जब तक लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन में नहीं आता तब तक हम इसे रोटेट करेंगे। हमने इसे सिर्फ एक ही बार में रोटेट कर दिया तो हमारा वो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्रिटिकल लाइन में आता है, तो हम इसे उसका जो रोटेशन है वो स्टॉप कर देंगे और बाद में इसे प्रायोरिटी हिसाब से उसके नंबरिंग करेंगे और बाद में उसका रोटेशन दिखाएंगे। और अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो वी डिसाइडेड इज द आर कॉन्फिगरेशन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो वी डिसाइडेड यस कॉन्फिगरेशन। अब हमारा लास्ट फोर्थ रूल है, तो फोर्थ रूल क्या है, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड पे जब प्रेजेंट आता है हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देन यहां पे है सी एच ओ ओ एच सी एच टू ओ एच, फिर The lowest priority group is present at the right side of the horizontal line. Horizontal line के अब right side में present है, तो फिर क्या? Without similarly ऐसा ही करना है, without change the position of the top atom, जो top group है, without change the position of, without change the position of top group, atom or group, top का जो group है उसकी position change नहीं करनी है, वैसे के वैसे कर रखनी है, root and then rotate other atoms, other groups or atoms, rotate other atoms in anti-clockwise direction, उससे हम क्या anti-clockwise direction में rotate करना है till the lowest प्रायोरिटी ग्रुप कम्स एट वर्टिकल लाइन, जब तक वो वर्टिकल लाइन में नहीं प्रेजेंट आता तब तक हम इसे रोटेट करेंगे। तो हम इसे पहले एक बार रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे सी एच एज इट इज रहेगा, अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो एच यहाँ पे आएगा, ओ एच यहाँ पे आएगा और सी एच टू ओ एच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, तो हम इसे अगेन रोटेट करेंगे, एक बार अगेन रोटेट करेंगे आगे, तो यहाँ पे सी एच ओ आएगा, इसमें हमने इसे अगर रोटेट किया अगेन रोटेट किया तो ओ एच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, तो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स कम्स एट द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट आता है, तो हम इसे अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे सेकेंड प्रायोरिटी, इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी और इसे देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी, देन इट्स रोटेशन बिकम्स एट एंटी क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन आता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आता है, तो हम इसे देंगे यस कॉन्फिगरेशन, इसका कॉन्फिगरेशन आता है यस कॉन्फिगरेशन। ये हुए सब रूल है आर एस नोटेशन की, तो फर्स्ट रूल क्या है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसका कम है उसे कम प्रायोरिटी देते हैं। सेकेंड जो रूल है हमारा ये है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज जनरली प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए आइदर द डाउनवर्ड डायरेक्शन और आइदर द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है, बट इट इज प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होना, इट इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड रूल है हमारा, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे अगर टॉप पे अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट आता है तो हम क्या इंटायर मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं 180 डिग्री में और बाद में उसका प्रायोरिटी रूल के हिसाब से नंबरिंग करते हैं और बाद में उसके रोटेशन दिखाते हैं और कॉन्फिगरेशन डिसाइड करते हैं। इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन देन वी डिसाइड
उसका जो रोटेशन है, तो हम क्या जो टॉप का एटम और ग्रुप है उसको एज इट इज रखते हैं और बाकी के जो एटम्स ग्रुप रहते हैं उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एटम्स और ग्रुप को, और उसको रोटेट करने के बाद कब तक रोटेट करते हैं हमसे, टिल द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कम्स एट द वर्टिकल लाइन, जब तक लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं आता तब तक हम इसे रोटेट करते हैं और बाद में उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और बाद में उसमें कॉन्फिगरेशन और एस कौन सा आता है वो देखते हैं। और जो हमारा फोर्थ रूल है वहां पे क्या, इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लोएस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में प्रेजेंट रहता है तो हम जो टॉप का जो आइटम और ग्रुप है उसकी पोजीशन एज इट इज रखते हैं और जो अदर आइटम है उसे रोटेट करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तक रोटेट करते हैं जब तक उसका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट नहीं आता, जब वो प्रेजेंट आता है तो बाद में हम उसके प्रायोरिटी हिसाब से नंबरिंग करते हैं और उसका कॉन्फिगरेशन डिसाइड करते हैं। दिस इज ऑल आर रूल ऑफ आर एस कॉन्फिगरेशन, ये सब रूल है आर एस कॉन्फिगरेशन के। बट आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है उसके रोटेशन वगैरह दिखाने के लिए, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है जब उसके रोटेशन आते हैं तो उसके कॉन्फिगरेशन को चेंज करना है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, इसको सेकंड प्रायोरिटी आती है, इसको थर्ड प्रायोरिटी आती है और इसको आती है फोर्थ प्रायोरिटी। तो अगर इसको जब हम रोटेशन करें 1 2 3, पहले 1 से 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास जाएगा और 3 से 4 के पास, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका कॉन्फिगरेशन आता है यस, बट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, यस कॉन्फिगरेशन इज चेंजेस टू आर कॉन्फिगरेशन, तो इसका फाइनल कॉन्फिगरेशन आता है आर कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे भी इसको देते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे देते हैं सेकंड, यहाँ पे देते हैं थर्ड प्रायोरिटी और यहाँ पे देते हैं फोर्थ प्रायोरिटी, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, बाद में फोर्थ, तो यहाँ पे क्या इसका डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका आता है आर एंड बट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है तो इट चेंजेस टू यस कॉन्फिगरेशन, इट इज द शॉर्ट ट्रिक अबाउट द आर एस कॉन्फिगरेशन। अगर वो वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देन द देयर कॉन्फिगरेशन चेंजेस टू देयर अपोजिट कॉन्फिगरेशन, अगर वहां पे आर कॉन्फिगरेशन आता है तो उसका कॉन्फिगरेशन जो रहता है वो यस रहता है, और वहां पे यस कॉन्फिगरेशन आता है तो उसका जो जनरल कॉन्फिगरेशन रहता है वो आर कॉन्फिगरेशन, यस कॉन्फिगरेशन चेंजेस टू आर, ये सिंबल है चेंजेस का, आर कॉन्फिगरेशन चेंजेस टू यस कॉन्फिगरेशन। आपको इसे रोटेट वगैरह करने की कोई जरूरत है ही नहीं अगर आपको ये पता है, तो हम उसका वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे। आप तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी रूल और अकॉर्डिंग टू देयर शॉर्ट ट्रिक्स, ये दोनों के हिसाब से उसका कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। If the lowest priority group is present at the horizontal line, पे अगर वो प्रेजेंट आता है तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है CHO, यहाँ पे है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2OH और यहाँ पे है H, तो रोटेशन के हिसाब से हमने इसका कॉन्फिगरेशन देखा। अब विदाउट रोटेशन इसको आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इससे आएगी सेकेंड, इससे आएगी थर्ड प्रायोरिटी और यहाँ पे आएगी फोर्थ प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देन फोर्थ, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन इट इज द यस कॉन्फिगरेशन, बट द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यस कॉन्फिगरेशन इज चेंजेस टू आर कॉन्फिगरेशन, मतलब इसका फाइनल कॉन्फिगरेशन आता है आर कॉन्फिगरेशन। बट अकॉर्डिंग टू दैट रूल यहाँ पे अगर राइट लेफ्ट साइड में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हमारा रूल क्या कहता है, ऊपर का जो एटम और ग्रुप है उसको जैसे के वैसे रखना और बाकी के जो है उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, तो इसे आता है सेकंड, यहाँ पे आएगा CH2OH और यहाँ पे आएगा H, तो इसे हम नंबरिंग देंगे फर्स्ट
सेकेंड थर्ड और फोर्थ, देन इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है क्लॉकवाइज, देन इसका कॉन्फिगरेशन आता है आर्क कॉन्फिगरेशन, ये हम रोटेट करने के बाद और ये है शॉर्ट ट्रिक के बाद। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा COOH, यहाँ पे है BR, यहाँ पे है CL और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमाइड का, तो हम इसे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में है क्लोराइड का तो इसे देंगे सेकंड प्रायोरिटी, बाद में है कार्बन का तो इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी और लास्ट है हाइड्रोजन। तो उसको रोटेशन कैसा आता है? द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका रोटेशन आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका कॉन्फिगरेशन आता है आर कॉन्फिगरेशन। बाद में थर्ड एग्जांपल है हमारा सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे है CH3। तो इसका जब दिया तो इसको आता है फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, इसलिए हम वी आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ दोनों को भी कार्बन कार्बन अटैच है, बट हियर इस कार्बन को अगेन कार्बन अटैच है और इस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, हेंस वी आर टेकिंग हियर सेकंड प्रायोरिटी, हम इसे देंगे एंड इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी और ये आता है हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। तो उसका जो डायरेक्शन रहता है वो ऐसा रहता है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो यस, बट हियर द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द यस कॉन्फिगरेशन इट चेंजेस टू आर कॉन्फिगरेशन। यह हमारा डायरेक्ट मेथड है ये निकालने की। और जो सेकेंड है उसके हिसाब से जो टॉप का है आइटम और ग्रुप है OH, हम इसे वैसे के वैसा रखेंगे, बाद में इसके रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाएगा एच, यहाँ पे आएगा C2H5 और यहाँ पे आएगा CH3। बट हमको कब तक इसे रोटेट करना है? जब तक ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में नहीं आता तब तक। तो हम इसे आगे रोटेट करेंगे, तो ऊपर का जो हाइड्रोक्साइड है एज इट इज रहेगा, इसे आगे रोटेट करने के बाद यहाँ पे आएगा C2H5, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा H। तो बाद में हम इसे नंबरिंग देंगे, इसे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे देंगे सेकेंड, बाद में इसे देंगे थर्ड और इसे देंगे फोर्थ प्रायोरिटी। तो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड और फोर्थ, और इसका कॉन्फिगरेशन आता है आर कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से भी आता है हमारा फाइनल कॉन्फिगरेशन आता है आर कॉन्फिगरेशन। ये हुआ हमारा थर्ड एग्जांपल। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, हम यहाँ पे कॉर्नर पे ही देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे है एसिड ग्रुप COOH, यहाँ पे है अमाइन NH2, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो वी आर गिविंग हियर फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसे देंगे हम सेकेंड प्रायोरिटी, बाद में इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी और ये हुई हमारी फोर्थ प्रायोरिटी। तो इसका जो रोटेशन रहता है वो होगा फर्स्ट सेकेंड, बाद में थर्ड और बाद में फोर्थ, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका कॉन्फिगरेशन आता है आर, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन आर कॉन्फिगरेशन इज चेंजेस टू एस कॉन्फिगरेशन। ये हुई शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब इसका रोटेशन करते हैं, पहले हम इसके अकॉर्डिंग टू आवर आरएस कॉन्फिगरेशन के जो रूल दिए है उसके हिसाब से देखते हैं। ऊपर का जो एसिड ग्रुप है वैसे के वैसा रखना चाहिए। जब बाद में इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, NH2 यहाँ पे आएगा और CH3 यहाँ पे आएगा। हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे अगेन रोटेट करेंगे एक बार, वी आर रोटेटेड अगेन COH एज इट इज। बाद में यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा NH2 और यहाँ पे आएगा CH3। बाद में नंबरिंग करने के बाद इसे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे देंगे सेकंड प्रायोरिटी, इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी और इसे देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी। तो अगर इसका रोटेशन आए एंटी क्लॉकवाइज, देन इसका कॉन्फिगरेशन एंटी क्लॉकवाइज दे तो यस कॉन्फिगरेशन। दिस इज ऑल आर एग्जांपल ऑफ आर एंड एस नोटेशन। यस
अभी तक आपने जो पढ़ा है, तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ये हमारा फिनिश हो गया है टॉपिक। इस टॉपिक ने टॉपिक में हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा, बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड देखा, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड, बाद में इसमें SN1 SN2 इलिमिनेशन रिएक्शन देखा, इसमें E1 E2 E1 CB ये सब देखा हमने। बाद में हमने ऑप्टिकल आइसोमर देखे, ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन कैसे होते हैं ये देखा। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ई एंड जेड नोटेशन देखा और आज हमने आर एंड एस नोटेशन देखा। दिस इज ऑल आर टॉपिक ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ये हमारे फिनिश हो गए हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिल हैलाइड्स। वहां पे जो रिंग रहती है, यहाँ पे जो एलिफेटिक अल्किल ग्रुप हमारा प्रेजेंट रहता है, वहां पे बेंजिल रिंग प्रेजेंट रहेगी हैलोजन को, जो अटैच जो अल्किन अल्किन रहेगा वो है बेंजिल रिंग। तो वहां बहुत ही छोटा टॉपिक है ये हम लेंगे पहले, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर आप लेना चाहेंगे वो हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो ठीक है।